तो दोस्तों फाइनली न्यू वीडियो आ चुकी है अब आपको फर्दर मोर इंतजार करने की जरूरत नहीं है बट आई नो रिगार्डलेस आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल वन ऑफ यू आज की वीडियो में काफी अमेजिंग अपडेट्स लाया हूं मैं आप लोग के लिए सो so, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा काफिला हिंदी चैनल को जिससे आप सिमिलर टाइप की वीडियो एंड कॉन्टेंट मिस न करें दो साल बॉडी बिल्डिंग के टॉप पे रहने के बाद बिग बिगरेमी इस टाइम अपने करियर के सीरियस डाउनफॉल पे नजर आ रहे हैं एंड यहीं पे काफी लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस टाइम बिग रैमी को फाइनली रिटायरमेंट लेनी चाहिए एंड इसी कॉमेंट पे बिग रैमी ने रिसेंटली अपनी इंस्टाग्राम

आनोड क्लासिक में इतनी मैसिव इंप्रूवमेंट जो रेमी ने दिखाई है आई थिंक ये रेमी के करियर के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है जहां पे रेमी ये पूरा ऑफ सीजन अपनी इंप्रूवमेंट को दे मे बी स्टेम सेल सर्जरी उनकी फिजिक में एक्चुअली में कुछ इंप्रूवमेंट दिखाए एंड भले ही नेक्स्ट ईयर तक ओलंपिया ना जीते रेमी लेकिन मे बी वो टॉप थ्री को ट्रैक कर ले बिकॉज अभी भी रेमी के पास दुनिया भर का मास है आई थिंक उनकी बॉडी थोड़ी बहुत डिस जरूर हो चुकी है एंड ये डेफिनेटली एक साइन ऑफ एजिंग हो सकता है बट मुझे नहीं लगता इसका मतलब ये है कि रेमी को डायरेक्टली रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए आई अभी भी रेमी के अंदर बहुत आग बची है अभी भी रेमी बहुत पुश कर सकते हैं एंड बेसिकली पे काफी लोग ये 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 भी बोल रहे रहे थे थे कि ये जो कमेंट कमेंट का कर हैं रेमी डायरेक्टली आए बॉब से और लोग पे कर रहे हैं बॉब का इंटरव्यू ऑन ओलंपिया टीवी चैनल मैंने वो पूरा पॉडकास्ट देखी मैंने वो पूरा इंटरव्यू देखा वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि बॉब चिक्रेलो ऐसा कह रहे हो कि बिग रेमी को रिटायरमेंट लेनी चाहिए आई थिंक बॉब चिक्रेलो ने जितनी भी बातें बोली थी बहुत ही वैलिड बातें बोली थी आई थिंक रिगार्डलेस रेमी को इस टाइम आउटसाइड नॉइस को छोड़ के अपने इंटरनल पे फोकस करना चाहिए और तो नहीं पता बट मैं डेफिनेटली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ रेमी के फ्यूचर के लिए आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक रेमी कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड जरूर करने वाले हैं आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट बताइए रेमी फोर्थ प्लेस एक्वायर करने के बावजूद काफी ज्यादा सेटिस्फाइ है अपनी प्लेसिंग से आई थिंक ओलंपिया से बहुत बहुत प्रूव हुई है यहाँ पे रेमी की फिजिक बट वही एक ऐसा बॉडी बिल्डर है जो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है अपनी प्लेसिंग से वो है निक वॉकर रिसेंटली म्यूटन एंड द माउट पॉडकास्ट में निक वॉकर ने क्लियरली बोला कि सैमसन ने उनको नॉकडाउन नहीं किया था एंड उनका अभी भी यही मानना है कि आर्नोल्ड क्लासिक की जीत वो डिजर्व करते थे बट जो

आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया है वो ये है कि निक वॉकर नाउ इज ट्रेनिंग विद अ फुल रेंज ऑफ मोशन आई थिंक प्रीवियसली हम लोग ने काफी बार निक वॉकर को हाफ रेंज ऑफ मोशन यूज करते हुए देखा है स्पेशली डूइंग लेग्स एंड रिसेंटली निक वॉकर ने अपने इंस्टाग्राम पे ये वीडियो डाली जहाँ पे वो स्मिथ मशीन स्वास्ट कर रहे हैं एंड उनका रेंज ऑफ मोशन यहाँ पे काफी एक्सट्रीम काफी लोग इस रेंज ऑफ मोशन को परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनकी एंकल मोबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती बट आई थिंक ये एकदम परफेक्ट अप्रोच है निक वॉकर के लिए ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं वो जेनेटिकली काफी गिफ्टेड होते हैं तो जो इंट्रिकसीज होती है ट्रेनिंग की ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स उस पर ध्यान ही नहीं देते बिकॉज कुछ भी करें ये लोग इन लोग इजिली ग्रो कर लेते हैं मसल बट आई थिंक जब बात आती है एक वीक बॉडी पार्ट को ग्रो करने के लिए वहां पे आपको न्यूनसेस अप्लाई करनी ही पड़ेगी वहां पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा एंड इस पूरे साल निक वॉकर का मेन फोकस जो रहेगा वो उनकी लेग की आउटर स्वीप को डेवलप करने का रहेगा एंड आई थिंक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये देखना की उसके बाद निक वॉकर की फिजिक किस तरीके से लगने वाली है उस स्टेज पे एंड यहाँ पे एक और जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिश होने वाला है निक वॉकर का वो होने वाले डेरिक लंसफर्ट रिसेंटली डेरिक लंसफर्ट ने अपनी अपडेट डाली है जिसमें अभी भी डेरिक लंसफर्ट एकदम रेजर शार्प नजर

है हादी चुपन के लिए वो टाइटल को रिटेन करके रख पाना काफी सालों से सा हादी कॉम्पीट करते हुए आ रहे हैं एंड इंप्रूवमेंट की बात करें तो उतनी ज्यादा नहीं दिखाई उन्होंने वहीं डेरिक इज अंग कॉम्पिटिटर काफी इंप्रूवमेंट अभी भी दिखा सकते हैं डेरिक एंड मुझे ये नहीं समझ में आता यहाँ पे हानि क्या सोच रहे होंगे बिकॉज टॉप वन एंड टॉप टू दोनों उनके क्लाइंट्स हैं इमेजिन करिए आप हानि रैमबोर्ड है और आपको दोनों एथलीट्स की प्रोग्रेस पिक्चर्स देखने को मिल रही है एंड आपके दोनों क्लाइंट्स को एक दूसरे को हराना है यहाँ पे काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है बट आई थिंक डेरिक लंसवर्ड है हादी चुबन बहुत ही मेच्योर कॉम्पिटिटर्स है बहुत ही मेच्योर एथलीट्स हैं रिगार्डलेस आई थिंक ट्वेंटी मिस्टर ओलंपिया इज गोइंग टू बी वे मोर कॉम्पिटिटिव देन ट्वेंटी मिस्टर ओलंपिया अभी करेंटली आप लोग जैसा देख सकते हैं छत बॉडी बिल्डर्स ही ने क्वालिफाई किया है मिस्टर ओलंपिया के लिए अभी काफी ऐसे बॉडी बिल्डर्स है जो क्वालिफाई करने वाले हैं धीरे धीरे करके यहाँ पे हम लोग को बहुत ही स्टैग नाम दिखने वाले हैं एंड मे बी बीच में कोई ऐसा नया बॉडी बिल्डर भी आ सकता है जो एकदम से शॉक कर दे और टॉप फाइव में लैंड हो जाए नेवर नो लास्ट ईयर इसी तरीके से एंड्रू जैक भी आए थे एंड लुक नाउ वो भी नंबर वन कंटेडर है इस टाइम टॉप में आने के लिए फॉर नेक्स्ट ईयर ओलंपिया इट इज वेरी कंफ्यूजिंग एंड हार्ड टू प्रिडिक्ट नेक्स्ट ईयर मिस्टर ओलंपिया बट आप लोगों का लगता है नेक्स्ट ईयर का प्रथम दावेदार कौन होगा ओलंपिया जीतने का मैं मान रहा हूँ काफी टफ है बट कोशिश करके बताइए

या फिर ही जैसे ही बॉडी बिल्डर्स के लिए कम की गई है एंड ऑल्सो ये शो इन्विटेशनल बेसिस पे है जैसे कि आर्नोर क्लासिक था मतलब इस शो के ऑर्गेनाइजर्स एथलीट्स को इन्विटेशन भेजेंगे कि आइए भाई आप लोग हमारे क्या करिए एंड मोस्ट वो लोग चाहेंगे कि आए पे और कॉम्पीट करें बिकॉज हर एक बॉडी बिल्डिंग फैन फिलहित को रिटर्न देखना चाहता है एंड आई थिंक फिलहित का ये येक्ट कम बैक भी हो सकता है टू इन मास्टर्स मिस्टर ओलंपिया यहाँ पे पहले से काफी लोग यूट्यूब स्पेस में फिलहित की हाइप बना रहे हैं कि वो कॉम्पीट करेंगे बट वो अभी तक एलिजिबल ही नहीं थे अब जाके वो एलिजिबल हुए हैं जब

एंड मैन वो टाइम भी टाइम था बट अभी हम लोग बात करें मास्टर्स मिस्ट्रो ओलंपिया की तो पांच महीने बचे हैं एंड देखने वाली बात है कि कौन कौन यहाँ पे होगा जल्दी ही हम लोग को एक कॉम्पिटिटर लिस्ट भी मिल जाएगी कि कौन कौन यहाँ पे कॉम्पीट करने वाला है एंड आप लोग को मैं अपडेट कर दूंगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे आप कुछ भी मिस ना करें चलिए अब उन दो एथलीट्स की बात करते हैं जो इस ऑफ सीजन में कॉम्पीट नहीं करने वाले हैं ये दोनों एथलीट्स डिफरेंट डिवीजन से बिलोंग करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ड्यू की तो जैसा कि हम लोग को मालूम है ड्यू ने मेंस फिजिक्स से क्लासिक फिजिक्स में स्विच कर दिया है एंड आंड्रे की अपर बॉडी काफी कॉम्पिटिटिव हो सकती है क्लासिक फिजिक में बट उनकी लोअर बॉडी उनकी लोअर बॉडी अभी भी काफी अंडर डेवलप्ड है जैसे कि बाकी मेन्स फिजिक एथलीट्स की होती है मेन्स फिजिक में लोअर बॉडी पे इतना इम्फोसिस नहीं होता है जितना क्लासिक फिजिक में होता है क्लासिक फिजिक में आपको अपनी एक बैलेंस फिजिक दिखानी है आपकी फिजिक ऊपर से लेके नीचे तक सिमेट्रिकल होनी चाहिए मतलब अपर बॉडी मैच करनी चाहिए लोअर बॉडी से फ्रंट मैच करना चाहिए बैक से एंड And आंड्रे के लेग्स अगर हम लोग देखें तो फाउंडेशन काफी कमाल की है अभी वहाँ पे बस कमी है तो थोड़ी बहुत थिकनेस की थोड़े मसल मास की आई थिंक आउटर क्वार्स पे थोड़ा फोकस करना चाहेंगे यहाँ पे जिससे उनकी फिजिक वी टेपर ही न रह जाए बल्कि एक इस पूरे -सीजन, अगर लग के अपने पे काम करेंगे तो नेक्स्ट ईयर काफी करेंटली थ्री हंड्रेड फिफ्टी पाउंड है क्विंटन एंड उनकी अपडेट्स में ह्यूमंगस लग रहे हैं क्विंटन की फिजिक में वो एक्सफेक्टर है जो सैमसंग में था एंड करेंटली ऑफ सीजन में थ्री हंड्रेड फिफ्टी पाउंड होने के बावजूद इतने ज्यादा ओवर नहीं लग रहा है यहां पे क्विंटन एंड आई थिंक क्विंटन ने काफी कमाल की इंप्रूवमेंट की है करंटली एंड ये पूरा ऑफ सीजन वो अपनी इंप्रूवमेंट ही को देना चाहते हैं अभी की उनकी प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए इस साल के एंड तक क्विंटन वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉडी बिल्डर्स हो जाएंगे आई में वैसे भी उनके जेनेटिक्स वन ऑफ द बेस्ट माने ही जा रहे थे शुरुआत से एंड क्विंटन इज नाउ वर्किंग अंडर मैट जैन एंड मैट जैनसन को पता है कि अपने एथलीट्स को किस तरीके से कंडीशनिंग में लाना है मोस्ट ऑफ द एस्थेटिक बॉडी बिल्डर्स जो आई में हम लोग को देखने को मिले हैं उन लोग ने ज्यादातर हिस्टोरिकली अपनी कंडीशनिंग मेल नहीं की है जो बॉडी बिल्डर्स काफी हेविली मसल्ड होने के बावजूद एस्थेटिक भी हैं वो एक बार कंडीशनिंग अगर नेल कर देते हैं तो हम लोग जानते हैं क्या होता है जैसे कि हम लोग ने देखा सैमसन के साथ होते हुए सैमसन से पहले सेड्रिक एक ऐसे बॉडी बिल्डर थे जिनके पास काफी पोटेंशियल था बट वो कभी भी अपना पोटेंशियल फुलफिल नहीं कर पाए एंड आई थिंक क्विंट यहाँ पे जब काम कर रहे हैं मैट जैनसन के साथ मैट एक गारंटी देते हैं अपने एथलीट्स को कंडीशनिंग में लाने के लिए डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्विंटन को स्टेज में देखने में एंड नेक्स्ट ईयर तक मोस्ट प्रॉबली वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेट बॉडी बिल्डर्स बन जाएंगे क्विंट आप लोग क्या लगता है आप लोग कमेंट्स बताइए तो हम लोग एस्थेटिक मास मोस्टर्स की बात कर ही रहे हैं तो चलिए हम लोग रीगन ग्राइम्स की बात करते हैं रीगन ग्राइम्स अभी अपनी प्रेप स्टार्ट कर दिए एंड करेंटली ही थ्री हंड्रेड पाउंड रीगन भी काफी एक्सट्रीमली बिग लग रहे हैं रीगन अपनी की एक पोस्ट में ये भी बताते हैं कि उन्होंने अभी अपनी फिजिक को पुश करने के बजाय प्रेप में वो पुश करेंगे एक तरीके से रिकॉर्म करने की सोच रहे हैं यहाँ पे रीगन एंड रीगन की भी फिजिक का एंड रिजल्ट देखने में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है तकरीबन चार महीने बाद हम लोग को पता ही चल जाएगा की रीगन की कैसी फिजिक लगेगी तो आप लोग ये भी मिस ना करें इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दिए काबिला हिंदी चैनल को तो वीडियो की फाइनल अपडेट मैं आप लोग को दे देता हूँ अरविंद फाइनली उन्होंने अपना प्रोकार्ड अचीव कर लिया है काफी ज्यादा स्ट्रगल

अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो आप लोग लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन दबा दीजिए चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय